आज से तकरीबन 10 साल पहले प्रो कबड्डी ने आकर भारत के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय खेलों में से एक कबड्डी को एक नई पहचान दी। कबड्डी देखने का हमारा नजरिया बदला और हमने जाना कि भाई कबड्डी तो हम हिंदुस्तानियों की रग रग में दौड़ती है। कहते हैं ना, जैसे चिड़िया के बच्चे को उड़ना सिखाना नहीं पड़ता, वो पैदा होता ही उड़ने के लिए है, वैसे ही इंडिया की हर सांस में कबड्डी और इस खेल की धड़कन है इस खेल के खिलाड़ी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कबड्डी के कुछ बहुत ज्यादा बड़े खिलाड़ी, वो लेजेंड जिन्होंने कबड्डी को बनाया जो कबड्डी आज है, जो एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करके हम सबको यहां पर एक करने का काम करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बुलाते हैं कबड्डी के लेजेंड्स को, एंड टू स्टार्ट विद प्लीज वेलकम अनूप कुमार, अर्जुन अवॉर्डी, कैप्टन कूल, बोनस का बादशाह अनूप कुमार। प्रो कबड्डी का सबसे पहला मैच इन्होंने खेला, सीजन 1 के फाइनलिस्ट और सीजन 2 के चैंपियन। और अब स्वागत कीजिए पद्मश्री अजय ठाकुर, अर्जुन अवॉर्डी, आइसमैन और किंग ऑफ कबड्डी के नाम से मशहूर, जिन्होंने कभी हारना नहीं सीखा, द ठाकुर ऑफ इंडियन कबड्डी। और अब मंजी चिल्लर, प्रो कबड्डी का बब्बर शेर, प्लीज वेलकम अर्जुन अवॉर्डी मंजी चिल्लर। और आप स्वागत कीजिए धर्मराज चरलासन का, जैसा नाम वैसा तबका, कबड्डी के युधिष्ठिर, सबसे सीनियर और सबसे वरिष्ठ, इनकी गिरफ्त में जब कोई रेडर आता है तो वापस नहीं जाता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज वेलकम आवर डियर फ्रेंड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी, जो अब खिलाड़ी के साथ साथ एक प्रोलिफिक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर भी है, जिन्होंने पीकेएल का सबसे पहला मैच खेला, सीजन 2 के ट्रॉफी विनर ऋषांग दिवाड़िका। भाई प्रो कबड्डी ने हमें कबड्डी का ये नया रूप दिया, सारे फैंस को ये खेल दिया और मुझे दिए मेरे इतने बढ़िया बढ़िया दोस्त, और इन सब के साथ यहाँ पर बैठा हूँ मैं कबड्डी को सेलिब्रेट करने के लिए। आप सबको मेरा टोटस 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 प्रणाम है आप सबको हमेशा की तरह। प्रणाम। हमारे सारे पुराने मित्रगण यहाँ पर मौजूद है और कुछ लेजेंड्स यहाँ पर है। अनु भाई सबसे पहली बात तो आपको देखकर जो खुशी हो रही है, आप सबको देखकर जो खुशी हो रही है, हम आपके पुराने चाहने वाले पुराने फैंस हैं एंड आपके साथ ही हमने कबड्डी को देखना सीखना शुरू किया, और आज जब आपको देख रहा तो लग रहा है कि अब हुई ना कबड्डी की बात। अनु भाई वो पहला दिन याद है, वो 26 जुलाई 2014 याद है, पहली रेड याद है, बिल्कुल याद है। क्या क्या यादें आती उन दिनों की? देखिए हमारा टाइम था उस टाइम पे ना, 2014 में सीजन स्टार्ट हुआ, और सीजन स्टार्ट मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि पहला मैच मैं खेला सीजन का, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और लीग स्टार्ट हुई, लीग में इतना नेम और इतना फेम जो मिला, वो खुशी हमेशा आज तक भी और हमेशा रहेगी जब तक जीवन है। ऋषांग आप भी उस पहले मुकाबले में थे, पहले मैच में खेल रहे थे, याद है आपको? बिल्कुल पूरी तरह से याद है और हर मोमेंट याद है। अनूप भाई साहब थे हमारे कप्तान थे टीम के, तो एक अलग फीलिंग थी मेरे लिए, तो वो एक सपना मेरा पूरा हुआ था, मतलब प्रो कबड्डी खेलने का, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए। अजय भाई 800 तकरीबन रेड पॉइंट और उस टाइम पे निकालना, जिस टाइम पे कबड्डी नए नए प्रो कबड्डी कम से कम नए नए रूप से पनप रही थी, वो पुरानी याद है, वो पहले पहले मैचेस की याद है? बिल्कुल बहुत, क्योंकि देखो लाइफ में ना हमने बहुत टफ टाइम देखा पहले कबड्डी का भी, जब हमने शुरुआत की थी जी। और ये दौर भी देखा कबड्डी का, हम वो प्लेयर हैं जिन्होंने दोनों टाइम देखे हैं कबड्डी का, है ना, पास्ट और फ्यूचर दोनों देखा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और स्पेशली वो मैच मुझे याद है अभी, मैं और चिल्लर साहब दोनों साथ थे, कैप्टन था उस टाइम जी चिल्लर जी हमारे, फर्स्ट मैच यू मुंबई वर्सेज जयपुर पिंक पैंथर का, तो सेकंड था हमारा बेंगलुरु बुल्स वर्सेज दबंग दिल्ली का, काफ़ी अच्छा रहा था। और उस दिन मुझे याद है कि उस दिन मैं अपना फ़ोन ना रूम पे छोड़ के आया था, कि हमें कौन फ़ोन करता था उस टाइम, जब मैं रूम पे वापस गया तो 200 मिस कॉल थी मेरे पास, मेरी माता जी का फ़ोन आया कि देखो यहाँ पे गांव में कम से कम 50 लोग घर पे आए हैं बेस्ट विशेस देने के लिए। क्या बात तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ तक पहुँचे सब कबड्डी की वजह से। आपने पहुँचाया दोस्तों, आपने पहुँचाया पहलवान जी, आपको तो प्यार से सब लोग पहलवान जी कहते हैं ये, और आपने गेम के इकलौते ऑलराउंडर हैं जिन्होंने जिस गेम की शुरुआत करी, तो ये पता करना मुश्किल था कि ये डिफेंडर है या रेडर, बिकॉज आप दोनों जगह पॉइंट्स उठा रहे थे, तो प्रो कबड्डी को प्रो कबड्डी बनाने के लिए ब्रो कबड्डी। अरे भाई जी अब तो याद ही रहेगी कबड्डी की। एंड डिफेंडर्स की बात हो रही है तो भाई
वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस डिफेंडर जो हमारे सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे वरिष्ठ आपकी, आपका नाम धर्मराज सही रखा गया, आप ही युधिष्ठर हो हमारे, सबसे वरिष्ठ हो, सबसे बड़े हो, लेकिन उसके बावजूद ये जितने नौजवान नवयुवक आए हैं वो आपके सामने पानी भरते नजर आते हैं। चेहरा नव, योर मेमोरीज, आपकी यादें प्रो कबड्डी से, वो पहले पहले मुकाबले से? प्रो कबड्डी से पहले बहुत साल खेला, प्रो कबड्डी आने के बाद, खेलने के बाद वो मेरा गांव में सभी मेरा साथ खेलने वाला सभी बच्चे लोग को बोले तो वो लोग आपका साथ खेला नहीं है करके मना कर रहे, वो लोग पापा झूठ बोल रहे करके वो लोग मना कर रहे, आप लोग बुढ़ा हो गया वो अभी भी खेल रहे करके ऐसे बात हो रहे। बात होने के बाद फ़ोन करके बच्चे लोग को दे दिया, तो बच्चे लोग बात करके मेरा साथ बात करने के बाद वो लोग मान लिया। ऐसा प्रो कबड्डी का पहले सीजन का मेरा ऐसा हुआ है दोस्तों। मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। जी जी, फर्स्ट टाइम हम इंडिया टीम में सेलेक्ट हुए, मैं और अनूप भाई, हम मेरी फर्स्ट टाइम ही मेरा इनसे मिलना हुआ, तो हम दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम लोग अहमदाबाद जा रहे थे, मुझे बिल्कुल याद है 2004 की बात है, 5 की, तो सीट नहीं मिली, तो मैंने जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना इस साइड में जहाँ बाथरूम होता है, मैंने उसमें दरी बिछाली रात को 1:30 बजे के करीब की, मेरे को लगा कि अब मेरे नींद दिमाग पे होगी, मैं गिर जाऊँगा, मैंने बिछाली, मैंने इनको बोला कि भाई आ जाओ, ये बोले नहीं नहीं मैं थोड़ा ऐसे ही खड़ा रहूँगा। 3-4 बजे मैं उठा तो नूह भाई भी वहाँ लेटे हुए बाथरूमों के बीच में, हम लोगों ने वो सफ़र हम लोगों ने देखा हुआ है। साल की बात है ये 2004 की बात होगी, तो यानी वो दौर कबड्डी वो दौर हमने देखा है कि उस टाइम मतलब रिजर्व सीट भी नहीं हमें मिलती थी, मतलब कि वो टाइम भी हम लोगों ने देखा हुआ, आज का दौर भी हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा ही मैंने आज भी इंटरव्यू में बोला कि हमेशा प्लेयर्स को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे आपके उस पहली रेड्स और पहले टैकल्स के बारे में बात करना चाहूंगा, आपको याद भी है वो आपकी पहली रेड जो आप प्रो कबड्डी में आपने लगाई थी? मंत्रा भाई बिल्कुल याद है, क्योंकि वो चीज़ भूलने की है ही नहीं ना, कभी नहीं भूल सकते। गांव में खेले थे, मिट्टी में खेले थे, मैट पे हम खेले तो हैं, पर उसके बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहली बार खेले, तो वो चीज़ भूलने की है नहीं, कभी नहीं भूल सकते, और हमेशा मेमोरेबल रहेगा ये मोमेंट। वाह, अलग ही बात थी उस टाइम की। बिल्कुल मंत्रा भाई, क्या पल अनु भाई, अपने आप को इस पुराने उस रूप में देखकर बहुत अच्छा लगता मंत्रा भाई, आज भी अच्छा लगता, कोई भी वीडियो सामने आती है ना तो खुद पे प्राउड फील होता है कि यार हमने कबड्डी खेली है, इस लेवल पे खेली है, आज जो यंगस्टर है या जो यूथ है जो कबड्डी खेल रहा है या कबड्डी खेलना चाहता है, वो हमें हमारे जैसे प्लेयर को, अजय जैसे प्लेयर को, जो हम बैठे हैं सभी लीजेंड है, हम सबको देख के वो इंस्पायर होकर कबड्डी को खेलना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रिशांक, व्हाट अबाउट यू, याद है अपनी वो पहली रेड? बिल्कुल याद है, और डू ऑर डाई रेड थी, अनूप भाई साहब ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी उस रेड की, और पॉइंट लेके आया था मैं उस रेड में, तो मुझे पता है कि राइट इन के पोजीशन पे मैंने अटैक किया था रनिंग हैंड टच करके। रिशांक, अब तो आप कमेंटेटर बन गए, अपनी रेड पे कमेंट्री करिए, गो फॉर इट रिशांक। रनिंग हैंड टच से वो पॉइंट लिया मैंने, बहुत ही जबरदस्त, और कोच हमारे खुश होते हुए उसके साथ। मंजीत भाई, चलो गेम की बात हो गई, आप कमेंट्री की बात कर रहे थे, आप करोगे कभी कमेंट्री? नहीं नहीं, मेरे से बोला नहीं जाएगा, मेरे से तो अपने वही हरियाणा की जो भाषा है वही निकलेगी। तो मंजीत भाई ऐसा करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आपका सबसे पहला टैकल, ठीक है, सबसे पहला टैकल जो आपने किया था, आप वो देखिएगा, और अपने स्टाइल में मंजीत भाई, जैसे हरियाणा में कमेंट्री अगर होती है तो कैसे होती है, अपने ही टैकल पे आपकी कमेंट्री, मंजीत छिल्लर की कमेंट्री, मंजीत छिल्लर के सबसे पहले टैकल के ऊपर। अभी सुरजीत जैसे रेड मारने आ रहा है और मंजीत छिल्लर ने दुमाए उठा दिया है टैकल करके। कैसी लगी कमेंट्री? बहुत ही उम्दा। मंजीत भाई सुबह 6 बजे ट्रेनिंग पे आ जाइएगा, मैं आपको मिलता हूँ वहां पर। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। चेरा अन्ना, व्हाट अबाउट यू, आपको याद है आपका पहला टैकल? कौन सा खिलाड़ी, कौन था वो प्लेयर जिसको आपने आउट किया था? क्विज आपके साथ। याद नहीं है। याद नहीं है। चलिए ठीक है, देखते हैं धर्मराज चरलातन की सबसे पहला टैकल पॉइंट या सबसे पहला टैकल जो उन्होंने किया था। कैसा लग रहा है चरण ना, अपने आपको वापस से दिख नहीं रहा। सुरजीत ही दबा के, सुरजीत है। गोद में उठा के घर लेगा चरण ना आप तो इनको। सुरजीत नहीं है कोई, सुरजीत ना।
रणधीर जी को देखा आपने अभी? रणधीर बिल्कुल जोश में थे, हमेशा जोश में रहते, पहले तो बहुत ज्यादा जोश में रहते थे, अब तो थोड़ा शांत हो। प्लेयर जो कोचेस के प्रति जो ये इज्जत रखते हैं, जो इतनी मैंने श्रद्धा देखी है, ये कहीं ना कहीं कबड्डी के संस्कारों में से ही एक है। मंजीत भाई क्या सच? देखो गुरु है ना, गुरु माता पिता से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि गुरु ही करियर को चेंज करते हैं। तो मेरा मानना है सबसे ज़्यादा उनकी इज्जत करो, और जो सीनियर खिलाड़ी उनकी करो, क्योंकि करना आशीर्वाद ही मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद से मैं ये बताना चाहूँगा कि आशीर्वाद हमेशा हमें लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे अर्जुन अवार्ड मिला या मैं पद्मश्री मुझे मिला ड्यू टू आशीर्वाद, क्योंकि मैंने जितना कमाई लिया, मेरे लिए हर प्लेयर ने ऐसे बोला कि अजय बड़ा अच्छा है, हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी था इसलिए मुझे मिला है, जितना मैं हमेशा सब बच्चों को ही बोलता हूँ कि अगर मुझे अवार्ड मिले हैं या आज मेरी मुझे अच्छा रैंक भी मिला है तो ड्यू टू आशीर्वाद। बिल्कुल, और इसीलिए उतनी ही इज्जत मिलती है आप सबको जो इस गेम के लेजेंड्स हैं। और ये बहुत उम्दा बात कही है, मेरे ख्याल से कबड्डी इकलौता ऐसा खेल है कम से कम हिंदुस्तान में मैंने जो देखा है, जिसके अंदर उसकी मैट की कसम खा के जब कोई खिलाड़ी कुछ कह देता है तो सामने वाला मानता है, क्योंकि उस मैट की इतनी इज्जत है आप लोगों के दिलों दिमाग के अंदर और अपने कोचेस के प्रति। आप में से मैं पूछना चाहूँगा, आपने अनुप भाई का गेम बहुत क्लोजली देखा है, पहले तो अनुप भाई आप बताएं अपने जैसा कोई लगा? देखिए मुझे अपने जैसा जो मेरी जो कुछ स्किल थी, जैसे फ्लाई करके लाइन टच करना, कुछ कुछ चीज़ें मुझे जो अपने ये अर्जुन देसवाल जो है ना, जी जी जी, अर्जुन देसवाल में मैं अपने आप को देखता हूँ थोड़ा बहुत, उसकी स्किल वाइज, उसके नेचर वाइज, लेने का तरीका। हाँ जी हाँ जी, काफ़ी चीज़ें मतलब सिमिलर सी है उसकी और मेरी। अजय भाई कौन कोई खिलाड़ी जिस पर आपकी नज़र रही हो, अजय ठाकुर जिसको देख कर बोलता है कि इसका फ्यूचर अच्छा है? गेम वाइज मुझे अभी भी मुझे मनिंदर बहुत पसंद है, क्योंकि बड़ा लंबा करियर है, फर्स्ट सीजन से लेके अब तक वो लड़का टॉप में है। स्पेशली इसमें क्या होता है कि एक दो सीजन के बाद प्लेयर्स की इंजरी आ जाती है, पर लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि उसने अपने आप को कितना मेंटेन किया हुआ है। 10वां सीजन ये चल रहा है, वो कंटिन्यूस वो हर सीजन अपने आप को ग्रो ही कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर स्टार बनना एक अलग बात है, वहाँ अपनी स्टार को मेंटेन रखना, वहाँ पर टिके रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे मैं कहना चाहूँगा कि मैं मनिंदर से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मंजीत भाई कोई डिफेंडर, कोई ऐसा खिलाड़ी, रेडर भी हो सकता है, पर मैं चूंकि आप ऑलराउंडर के बारे में बता सकते हैं, कोई खिलाड़ी जो आपको पसंद आया हो पिछले कुछ दिनों में या इस सीजन में? मेरे को जो डिफेंडर है ना, जो दो हैं, एक तो जो दिल्ली में राइट कॉर्नर है योगेश, वो मेरी एकेडमी से है, और जी, मैं आपको बताऊं, और एक लड़का गौरव खत्री जो पुन्ना की टीम बिल्कुल है, राइट ही कॉर्नर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस सीजन, वो दोनों बेस्ट है। वाह बहुत अच्छे चेहरा ना एरी प्लेयर, आप तो ब्रॉडकास्ट पे ये सीजन बहुत क्लोजली देख रहे हैं। अभी जयपुर टीम के बारे में बोला है तो जयपुर टीम एक डिफेंस में आज तक रुक रहे बोला है तो एक सुनील कुमार का, सुनील कुमार है रुक रहे नहीं है, सुनील को बाहर निकाले तो थोड़ा टीम क्या टैकल कर रहे नहीं कर रहे वो बात अलग है, वो तो टीम रुक रहे उसके तरफ से ना। सुनील कुमार है जो कैप्टन भी बहुत अच्छा खेल रहा है, वो ये उसका मतलब उसका बहुत अच्छा, और क्योंकि इसमें है ना जो 4-5 में तो जो सुनील खेलता तो ये रहता है कि पलंटी होगी नहीं। ऋषांक आप बताइए, आपने पिछले आप भी 10 सीजन से ये गेम खेलते आ रहे हैं प्रो कबड्डी के लिए, फेवरेट प्लेयर समबडी हु यू रियली एंजॉय? इस सीजन में मुझे ऐसे लगता है कि मोहित गोयत जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन रेडर है, क्योंकि 4 और 5 के डिफेंस में जहाँ पे पॉइंट स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो एक रेडर ऐसा है जो हमेशा अपने टीम को एक मोमेंटम देता है वहाँ पे रेड स्कोर करके। तो मोहित गोयत मेरे लिए एक अच्छा रेडर है इस सीजन में। दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी इमेजिन किया था कि कबड्डी में इस किस्म की फंडिंग आएगी, इस किस्म का पैसा मिलेगा, प्लेयर्स 2.5-2.5 करोड़ 3-3 करोड़ के आसपास जाएंगे? देखिए हमारा गेम ही इतना अच्छा है, कबड्डी गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग मतलब लोगों को मजा आता है देखने में मंत्र भाई ना। और मैं तो ये चाहता हूँ कि टीम का जो पर्स है ना, अभी हमारी कबड्डी का ये पर्स 5 नहीं होना चाहिए, 15-20 करोड़ होना चाहिए कम से कम, तब ज़्यादा मजे हैं। पर्स बढ़ेगा तो प्लेयर और ज़्यादा अच्छी मेहनत करेंगे, शायद हो सकता है कि अपने आप को और ज़्यादा फिट रख के लंबा खेलने की कोशिश करेंगे। सही बात, बिल्कुल गेम और निकल के आएगा। मंत्रा भाई मैं बता रहा हूँ कि जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट शायद 40-45 साल से टीवी पे आ रहा है, बिल्कुल, तो 40-45 साल जो पहले रेटिंग थी वो जो कबड्डी की फर्स्ट सीजन से आ गई थी, क्योंकि हमारी कबड्डी में है ना आप खाली ये मत मानो कि एक कबड्डी, उसमें रनिंग भी है, रेसलिंग भी है, क्या नहीं उसमें, आप ये बताओ 6-7 जो गेम है उनका मिश्रण कबड्डी है। और पहला गेम अपना यही है जो कबड्डी ही बोल के खेला जाता है,
रेसलिंग वाले तो रेसलिंग रेसलिंग बोलते नहीं, क्रिकेट वाले भी नहीं, ये बिल्कुल सही बात है ना, ये योगा ही है। वाह 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 वाह। हमारे कोच साहब थे ना बलवान जी, जी जी हमारे बलवान जी, द्रोणाचार्य जी, बिल्कुल, वो हमेशा एग्जांपल ये देते थे कि ये योग वोग तो अब आया, हमारी कबड्डी वो ऐसे बोलते थे जैसे कपाल बाती करते ना, कबड्डी 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 कबड्डी, हम तो पहले से ही करते आ रहे कबड्डी कबड्डी। क्या बात दोस्तों, ये इसलिए तो शायद कहते हैं कि इंडिया की हर सांस में कबड्डी। मैं आप तीनों, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आपकी सबसे बड़ी राइवलरी या किसके खिलाफ खेलने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया, जिसको देख के लगा कि हाँ यार ये टक्कर का बंदा मिला? दो ही टीमों के साथ मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था जी, एक यू मुंबा, एक जब गुजरात टीम बनी उसके साथ। हमेशा इन टीमों के साथ मुझे ऐसे लगता था कि आज मैच हो रहा है हमारा असल में। हाँ, क्योंकि यू मुंबा टीम बैलेंस टीम के साथ ही मजा आता है ना जी। यू मुंबा बहुत बैलेंस टीम थी, फिर फिफ्थ सीजन में गुजरात बहुत ज़्यादा बैलेंस टीम थी, तो मज़ा आता था इनके साथ खेलने का, चाहे हारे या जीते, पर उस दिन हमें यह महसूस होता था कि आज हम मैच खेले हैं। अनुप भाई, आपका तो यू मुंबा और जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच की सबसे बड़ी राइवलरी, आप ही हिस्सा थे उसका। सबसे अच्छा जो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है जयपुर पिंक पैंथर के साथ खेलने में, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। अच्छा ना, पटना में प्रदीप और रोहित अच्छा फॉर्म में रहने के टाइम भी वो टीम को मारना करके वो हम खेलते, वो ये मजा। बहुत गुड। एंड रिशांग, व्हाट अबाउट यू? जैसे अनुप भाई साहब ने कहा कि जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ हमेशा से अच्छी मैच होती थी हमारी यू मुंबा और जयपुर की, तो वो एक राइवलरी बनी थी और वहाँ पे हमें हमेशा उनके अगेंस्ट खेलते हो कैसे लगता था कि इनके साथ जीतना ही है मैच कर। हमारे साथ हमारे स्टार स्पोर्ट्स की स्पेशल गेस्ट बोल रहा है। गेस्ट क्यों बोला मैंने तेरे को, मुझे मालूम नहीं, पता नहीं, और आप लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, मैं पीछे कैसे रह सकती थी। हाँ, तो ये क्विज मास्टर बन के आई है। आप लोग प्रो कबड्डी से जुड़े हुए खिलाड़ी है, लेकिन देखते हैं आपका प्रो कबड्डी का ज्ञान कितना गहरा है। ऑल राइट, सो रेडी फॉर द क्विज? Yes. So, पहला सवाल मंजी जी आपके लिए है। ऐसा डरो मत उनके सामने मंजी, देखो मैं बोला ना, आप डरा देते हो लोगों को, रेडर हो या एंकर। नहीं नहीं, मेरे से कोई नहीं डरता सर। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं डरते सर। सीजन 1 से लेके सीजन 9 तक आपको सारे चैंपियंस बताने हैं सही ऑर्डर में। फर्स्ट सीजन में जयपुर जी, सेकंड में यू मुंबा जी, थर्ड में पटना, अब आसान है, फोर में भी, फाइव में भी जी, सिक्स में बेंगलोर, सात में बंगाल, सेवंथ में कौन था, बंगाल, और एट में हम आप दबंग दिल्ली, दबंग दिल्ली, और सीजन नौ में जयपुर। अजय जी, मनिंदर सिंह को हम कबड्डी जगत में क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? मनिंदर सिंह को टाइगर बोलते हैं वैसे तो। टाइगर आप लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोगों ने क्या टाइटल दिया है? माइटी मनिंदर। माइटी मनिंदर, बिल्कुल सही। रिशांग, तीन लोग जो पीकेएल के साथ बिल्कुल शुरू से, सीजन 1 से, मंत्रा ब्रजेश और रिशांग देवाड़ी का ये सही जवाब है। रणधीर कोच साहब, रणधीर कोच साहब तो जी जी, दो और नाम गिरीश शिरनाक है, मनिंदर एक है, ये तीन है जी। वेरी नाइस। सो चिरलाथन सर, अनुप जी बताइए कि कौन से टीम के कैप्टन थे सीजन 7 में? चिरलाथन जी शायद उनके चेहरे को देखने से याद आ जाए। पटना। पटना। गलत जवाब। यहाँ पे किसी को पता है क्या? अरे भाई ये लठ रख देंगे अपन शाम ने। अब हरियाणा, 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 एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अगला सवाल सर आपके लिए है, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स लिए एक सिंगल मैच में, डिफेंडर, और कितने टैकल पॉइंट्स लिए? 19 चिल्लर। नहीं सर, 19 वो शादलू, शादलू, पर सही नंबर 16, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, नाम कैसे ले लिया उसका मंजीत भाई के साथ? नहीं, नाम तो यार अच्छा खेला तो नाम तो लिया जाए। अगला सवाल हमारा अजय जी के लिए है, लीग के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन कौन है जिन्होंने अनूप जी का रिकॉर्ड भी तोड़ा है पिछले सीजन? सबसे सक्सेसफुल, सबसे सक्सेसफुल, हाँ, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। फजल, फजल। अनूप, आप माइक भी बता दीजिए सबको। फजल अतरा चली, जिसने हाँ बिल्कुल मेरे रिकॉर्ड को तोड़ा है, और शायद वो मैच भी मेरे से ज्यादा खेल लिया। फजल का एज अ परफॉर्मेंस, मंजीत भाई फजल अतरा चली कैसा लगता है आपको? नहीं, अच्छा खिलाड़ी, बहुत अच्छा। जो खिलाड़ी में जो टैलेंट होता है ना वो उसी में है, और वो है भी, वो अगर रेड मारता ना कभी से तो आज प्रो कबड्डी में नहीं होता, वो टैकल करने के लिए ही बना है। जी, ऑल राइट, ओके। सो जाते जाते आप लोगों को पीकेएल को एक शब्द में डिस्क्राइब करना है, ओके, वन वर्ड। रिशांक, अगर एक शब्द देना होता प्रो कबड्डी को, जो उसने आपके लिए किया, जो इस खेल के लिए किया, वो एक शब्द क्या होता, या एक लाइन बोल देना जैसा आपका मन करे, अपने जीवन से कुछ भी। कबड्डी खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी सफलता प्रो कबड्डी।
क्या बात है, क्या बात है, एक वरदान जैसा है प्रो कबड्डी। वरदान बहुत अच्छे अजय भाई, मेरी लाइफ लाइफ मान लो आप कबड्डी को। क्या बात है जिंदगी। अनूप जी, प्रो कबड्डी ने लाइफ बनाई, लाइफ चेंज किया हमारी। वाह चेहरा ना, सभी का ऐसा है, मेरा भी लाइफ प्रो कबड्डी का लाइफ भी चेंज किया। वाह वाह वाह, तो सभी का इंटरनेशनल एशियन गेम्स का, मेरा नहीं है। प्रो कबड्डी आने के बाद धर्मराज अन्ना करके एक नाम मिल गया, बोला तो वो प्रो कबड्डी से मिला। और धर्मराज चरलातन अन्ना हमेशा याद रखा जाएगा, ऋषांग देवाड़ेगा, अनूप कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अब आप केवल एक नाम बनकर नहीं रह गए, आप कबड्डी के साथ इस प्रकार जुड़ गए, हमारी जिंदगी के साथ जुड़ गए, आप हमेशा याद रखे जाएंगे। और चूंकि हम सब आपको इतना मिस करते हैं, आपको कबड्डी खेलते हुए हमने देखा है, सामने हमने एक छोटी सी कबड्डी का ये मैट हमने पैदा किया है आपके लिए, मैट से बाहर निकाल के एक आपकी तरफ से अगर एक रेड देखने को मिल जाए, हो जाए कौन अनु भाई एक रेड हो जाए बोनस के पाछा कर देंगे, कोई बात नहीं है, दोनों तीनों की तरफ से आजे भाई। ओके छोटी छोटी एक रेड हो जाए यहाँ पे, ठीक है, सबकी तरफ से। ओके चलिए, रेफरी बनी है यहाँ पे, जी बिल्कुल। आइए अनु भाई, टीम कॉम्पोजिशन जल्दी से, टीम कॉम्पोजिशन। अनु भाई रेडर है, इतनी छोटी मैट पे कभी ना खेले होंगे आप। मंजीत चिल्लर आज भी उतने ही शार्प कि यही कुछ करने वाले यहाँ पे। अच्छा केवल एक एक मूव दिखा दो अजय भाई जाने से पहले, एक बार फिर अजय ठाकुर रेड पे, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार, धर्मराज चरलातर, ऋषांग देवाड़ी का। ये दोस्ती हमेशा बनी रहे, ये यारी इनकी हमेशा बनी रहे, और ये कबड्डी पे हमको इसी तरीके से हमको इंस्पायर करते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जो थाई फाई आपने हमें सिखाया, आप साथ में हो जाए। लाइन ड्रॉन, गेम ऑन, खेल।